हाय व्यूवर्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स ये देखिए आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा निटिंग पैटर्न इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडीज गार्डियन में लेडीज जैकेट में जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं ये देखिए फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो ट्वेंटी वन के मल्टीपल से होंगे प्लस थ्री फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और टू फंदे स्टिच के होंगे और ये जो डिज़ाइन है ये टोटल ट्वेंटी रॉ का डिज़ाइन है तो चलिए फैन बनाते हैं ये देखिए फैन मैंने यहाँ पर फिफ्टी फोर फंदे लिए हैं फोर्टी टू फंदे ट्वेंटी वन के मल्टीपल से लिए हैं प्लस ट्वेल्व फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और दो फंदे एस्टिच के होंगे और प्लस नाइन फंदे मैंने इसकी बटन पट्टी के लिए लिए हैं आप जितने चाहें इसकी बटन पट्टी के फंदे रख सकती हैं आपने अपने जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को डालना हो तो आप ट्वेंटी वन के मल्टीपल से फंदे लेंगे प्लस थ्री फंदे एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका ये डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगा तो चलिए फैन देखते हैं ये इसकी फर्स्ट रॉ है और राइट साइड है ये देखिए इसमें मैंने नीचे से इसके ये बॉर्डर बनाया है और साथ में इसके ये बटन पट्टी बनाई है तो मैं आपको यहाँ पर इसकी बटन पट्टी के साथ इसको बनाना बताऊँगी कि आप ये डिज़ाइन जब किसी कार्डिगन में डालेंगे तो ये कैसे सेट होगा ये देखिए ये इसकी फर्स्ट रॉ है और राइट साइड है स्टिच ऐसे ही उतारेंगे धागा आगे करेंगे ये हम इसके टेन फंदे बटन पट्टी के नाइन फंदे होंगे एक फंदा हमारा स्टिच का है तो टोटल नाइन फंदे होंगे टेन फंदे होंगे तो हम टेन फंदे इसके बटन पट्टी के बनाएंगे ये देखिए एक फंदा उल्टा बनाएंगे एक फंदा ऐसे स्लिप करेंगे फिर एक फंदा उल्टा स्लिप करेंगे ये देखिए मैंने यहाँ पर ये वाली बटन पट्टी बनाई है आप जो भी चाहें वो बटन पट्टी इसके साथ बना सकते हैं ये देखिए यहाँ तक हमारे ये टेन फंदे हो गए हैं अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे फिर धागा आगे करेंगे फाइव फंदे उल्टे बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव धागा पीछे करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे इसको हमने पर्ल वाइज स्लिप करना है इसको बुनना नहीं है बिना बुने ही उतार लेंगे धागा आगे करेंगे फोर फंदे उल्टे बनाएंगे वन टू थ्री फोर धागा पीछे करेंगे फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे फिर धागा आगे करेंगे फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव धागा पीछे करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे धागा आगे करेंगे और जारी डालेंगे ये देखिए स्टार्टिंग के ये टेन फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है ये हमारा पैटर्न ट्वेंटी वन फंदों का है तो देखिए काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये देखिए यहाँ तक हमारे ट्वेंटी वन फंदे हो गए हैं इसमें हमने एक फंदा पहले सीधा बनाया फिर चारी डाली फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया फिर फाइव फंदे उल्टे एक फंदा पाल वाइज स्लिप किया फोर फंदे उल्टे फिर एक फंदा पाल वाइज स्लिप किया फिर फाइव फंदे उल्टे फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया और चारी डाली फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव धागा पीछे करेंगे एक फंदा पल वाइज स्लिप करेंगे धागा आगे करेंगे और फोर फंदे उल्टे टू थ्री फोर धागा पीछे करेंगे एक फंदा पल वाइज स्लिप करेंगे धागा आगे और फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव धागे पीछे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे जारी डालेंगे और लास्ट में दो फंदे सीधे बना लेंगे फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गए हैं सेकंड रॉ रौ है रॉन्ग साइड इसकी रॉन्ग साइड हम सारी सेम ही बनाएंगे तो ध्यान से देखिए ये इसकी रॉन्ग साइड जो है जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे जारी वाले फंदे उल्टे बनाएंगे ये देखिए तीन फंदे उल्टे फाइव फंदे सीधे टू थ्री फोर फाइव धागा आगे करेंगे ये फंदा हमने जो स्लिप किया था वाइज इसको बुना नहीं था इसको रॉन्ग साइड में उल्टा बनाएंगे धागा पीछे फिर फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर धागा आगे स्लिप किया हुआ फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछे फिर वन टू थ्री फोर फाइव फंदे सीधे धागा आगे फाइव फंदे उल्टे टू थ्री फोर फाइव फाइव फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव धागा आगे स्लिप किया हुआ फंदा उल्टा बनाएंगे फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर स्लिप किया हुआ फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछे फाइव फंदे सीधे थ्री फोर फाइव धागा आगे लास्ट में देखिए वन टू थ्री फंदे उल्टे ये हमारी बटन पट्टी है इसको हम एक सीधा एक उल्टा फंदा बनाएंगे जो स्लिप किए थे फंदे उनको उल्टा बुन लेंगे हर बार इसकी रॉन्ग साइड सेम ही बनाएंगे जो फंदा जैसे दिखाई देगा वैसे ही बनाएंगे स्लिप किया हुआ फंदा उल्टा बनाएंगे और जारी वाला फंदा भी उल्टा ही बना लेंगे देखिए रॉ थर्ड है राइट साइड पहले हम इसकी टेन फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे सीधा फंदा स्लिप कर लेंगे और उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे ये देखिए यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे सीधे ये जाली वाला फंदा हर बार इस साइड को हमारे जो फंदे हैं वो इंक्रीज होंगे और ये वाले फंदे डिक्रीज होंगे धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे और एक उल्टा एक सीधा फंदा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे और वन टू थ्री फोर फंदे उल्टे बना लेंगे एक फंदा पाल वाई स्लिप करेंगे और फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर धागा पीछे एक फंदा पाल वाई स्लिप करेंगे और फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे और सेंटर के तीन फंदे सीधे बना लेंगे वन टू थ्री धागा आगे ये देखिए स्टार्टिंग के टेन फंदे छोड़ कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें हमने पहले दो फंदे सीधे बनाए फिर जारी डारी दो फंदों का एक फंदा बनाया फोर फंदे उल्टे फिर एक फंदा स्लिप किया पाल वाइज फोर फंदे उल्टे बनाए फिर एक फंदा स्लिप किया फोर फंदे उल्टे बनाए दो फंदों का एक फंदा बनाया और दो फंदे हमने एक जाली डाली फिर एक फंदा सीधा बनाया यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे सीधे धागा आगे जाली डालेंगे एक फंदा टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर धागा पीछे स्लिप करेंगे धागा आगे फोर फंदे उल्टे टू थ्री फोर धागे पीछे स्लिप करेंगे फोर फंदे उल्टे टू थ्री फोर धागे पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जारी डालेंगे और लास्ट के तीन फंदे सीधे बना लेंगे रो फाइव राइट साइड स्टार्टिंग के टेन फंदे बटन पट्टी के बना लेंगे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन धागा पीछे करेंगे यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे तीन फंदे सीधे टू थ्री धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे एक उल्टा एक सीधा फंदा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे बना लेंगे टू थ्री धागा पीछे एक फंदा पालवा स्लिप करेंगे और फोर फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे एक फंदा वाइज स्लिप करेंगे धागा आगे तीन फंदे उल्टे धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जारी डालेंगे और दो फंदे सीधे ये देखिए स्टार्टिंग के टेन फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें हमने तीन फंदे सीधे बनाए जारी डाली दो फंदों का एक फंदा बनाया तीन फंदे उल्टे फिर एक फंदा स्लिप किया फोर फंदे उल्टे फिर स्लिप किया फिर तीन फंदे उल्टे फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया जारी डाली और दो फंदे सीधे बनाए फिर से देखिए पैटर्न रिपीट करेंगे तीन फंदे सीधे टू थ्री धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे धागा आगे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री पर्ल वाइज स्लिप करेंगे फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर धागा पीछे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे एक साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जारी डालेंगे और लास्ट के फोर फंदे सीधे बना लेंगे रो सेवन राइट साइड एस्टिच धागा आगे करेंगे और टेन फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक उल्टा एक सीधा फंदा टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे धागा आगे फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर धागा पीछे स्लिप करेंगे धागा आगे दो फंदे उल्टे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जारी डालेंगे और वन टू थ्री फंदे सीधे स्टार्टिंग के टेन फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें हमने फोर फंदे सीधे बनाए चारी डाली दो फंदों का एक फंदा बनाया दो फंदे उल्टे फिर एक फंदा स्लिप किया फोर फंदे उल्टे एक फंदा स्लिप किया दो फंदे उल्टे दो फंदों का एक फंदा बनाया जारी डाली और तीन फंदे सीधे बनाए फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर जारी डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा स्लिप करेंगे फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर धागा पीछे एक फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे एक साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जारी डालेंगे और लास्ट के फाइव फंदे सीधे बना लेंगे थ्री फोर फाइव रो नाइन राइट साइड टेन फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे फोर फाइव सी सेवन एट नाइन टेन धागा पीछे करेंगे यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग के फाइव फंदे सी थे थ्री फोर फाइव धागा आगे करेंगे चाई डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागे पीछे एक फंदा स्लिप करेंगे फिर फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर धागे पीछे एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा धागा आगे करेंगे जड़ डालेंगे और वन टू थ्री फोर फंदे सीधे बना लेंगे स्टार्टिंग के टेन फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है ये देखिए इसमें हमने फाइव फंदे सीधे बनाए फिर जाली डाली दो फंदों का एक फंदा बनाया एक फंदा उल्टा एक फंदा स्लिप किया फोर फंदे उल्टे एक फंदा स्लिप किया एक फंदा उल्टा दो फंदों का एक फंदा बनाया और फिर जाली डाली और फोर फंदे सीधे बनाए फिर से फाइव फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव जाली डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा स्लिप करेंगे फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर धागा पीछे करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे एक साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जारी डालेंगे और लास्ट के फाइव फंदे सीधे बना लेंगे रो इलेवन राइट साइड स्टार्टिंग के टेन फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन धागा पीछे करेंगे अब देखिए यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे अब हमने इस रो में कैसे करना है ये हमारा यहाँ पर एक उल्टा फंदा रह गया है इसको हमने डिक्रीज नहीं करना है अब दोबारा से ये पैटर्न हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये वाला पैटर्न हमने फिर से दोबारा से जब यहाँ पर एक फंदा उल्टा रह जाएगा फिर से यहाँ से हम रिपीट करना स्टार्ट करेंगे अब ये वाला जो सेंटर का हमारा पैटर्न है ये यहाँ से चेंज होगा और सिर्फ यही पैटर्न आपने दोबारा से इसे स्टार्ट करना है तो देखिए कैसे करेंगे धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे धागा आगे जारी डालेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे और देखिए वन टू थ्री फोर फाइव फंदे उल्टे बना लेंगे देखिए धागा आगे ही रखेंगे यहाँ तक हमने हमारा जो पैटर्न है वो फर्स्ट क्रॉ से स्टार्ट कर लिया है अब देखिए ये पैटर्न जो है अब ये वाला यहाँ से चेंज होगा तो देखिए कैसे करेंगे अब ये वाला एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा इसको हम ट्विस्ट करेंगे इसको हमने राइट टू लेफ़्ट ट्विस्ट करना है इसको अंदर की साइड हम फंदे को लेकर जाएंगे और ये उल्टा फंदा उल्टा ही बना लेंगे धागा पीछे करेंगे इस फंदे को सीधे फंदे को हमने ऐसे स्लिप कर लेना है इसको हमने बुनना नहीं है बिना बुने ही उतारेंगे जैसे हम नीचे से बनाते आ रहे हैं वैसे ही इसको बनाना है धागा आगे फिर दो फंदे सेंटर के उल्टे धागा पीछे अब ये वाले दोनों फंदे ट्विस्ट करेंगे सीधा फंदा आगे लेकर जाएंगे और उल्टा फंदा पीछे लेकर जाएंगे इसको भी हमने वाइज स्लिप किया है बुना नहीं है धागा आगे करेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे ये देखिए यहाँ पर अब सेंटर में दो उल्टे फंदे रह गए हैं पहले फोर उल्टे फंदे थे धागा आगे करेंगे और फाइव फंदे उल्टे बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव धागा पीछे करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा करेंगे जारी डालेंगे स्टार्टिंग के टेन फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें देखिए हमने एक फंदा सीधा बनाया फिर जारी डाली दो फंदों का एक फंदा बनाया और फाइव फंदे उल्टे बनाए फिर ये वाले दो फंदे हमने राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट किए हैं और ये उल्टे फंदे को उल्टा बनाया और सीधे फंदे को हमने स्लिप किया है सेंटर के दो फंदे उल्टे बनाए फिर हमने दो फंदे लेफ़्ट टू राइट ट्विस्ट किए हैं एक फंदा जो सीधा था उसे स्लिप किया उल्टे फंदे को उल्टा बनाया फिर फाइव फंदे उल्टे बनाए दो फंदों का एक फंदा बनाया और फिर जारी डाली फिर धागा आगे करेंगे फिर से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे धागा आगे करेंगे ये हमारा एक फंदा सीधा बनाएंगे यहाँ पर हमारी जाली डालेगी फिर धागा आगे कर लेंगे जाली डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव धागा आगे ही रखेंगे और दो फंदे फिर से ट्विस्ट करेंगे उल्टा फंदा आगे लेकर आएंगे और सीधा फंदा पीछे लेकर जाएंगे उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे सीधे फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे धागा आगे करेंगे सेंटर के दो फंदे उल्टे धागा पीछे फिर से दो फंदे ट्विस्ट करेंगे सीधा फंदा आगे लेकर आएंगे और उल्टा फंदा पीछे लेकर जाएंगे सीधा फंदा स्लिप करेंगे धागा आगे करेंगे उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे फिर फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव धागा पीछे करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे और लास्ट के दो फंदे सीधे बना लेंगे रो तो थर्टीन राइट साइड स्टिच धागा आगे करेंगे फिर नाइन फंदे पटन पट्टी के बना लेंगे धागा पीछे करेंगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे सीधे धागा आगे करेंगे जल डालेंगे और एक उल्टा एक सीधा फंदा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे फिर फाइव फंदे उल्टे थ्री फोर फाइव धागा आगे ही रखेंगे फिर से ये वाले जो हमारे फंदे हैं इनको ट्विस्ट करेंगे एक उल्टा एक सीधा फंदा बैक लूप से उल्टा फंदा आगे लेकर आएंगे और सीधा फंदा पीछे लेकर जाएंगे उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे धागा पीछे करेंगे सीधे फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे अब ये वाले फंदे ट्विस्ट कर लेंगे बैक लूप से उल्टा फंदा पीछे लेकर जाएंगे और सीधा फंदा आगे लेकर आएंगे सीधे फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे धागा आगे करेंगे उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे अब देखिए फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर धागा पीछे सॉरी फाइव फंदे उल्टे धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे स्टार्टिंग के टेन फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें हमने दो फंदे सीधे बनाए जारी डाली दो फंदों का एक फंदा बनाया फाइव फंदे उल्टे बनाए फिर ये दो फंदे ट्विस्ट किए हैं उल्टा फंदा उल्टा, उल्टा बनाया स्लिप किया हुआ फंदा हमने एक सीधा फंदा हमने स्लिप किया फिर दो फंदे ट्विस्ट किए सीधा फंदा स्लिप किया और उल्टा फंदा उल्टा बनाया फाइव फंदे उल्टे बनाए फिर दो फंदों का एक फंदा जाली डाली और एक फंदा सीधा बनाया फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे दो फंदे सीधे जाली डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव धागा आगे ही रखेंगे दो फंदे ट्विस्ट करेंगे बैक लूप से उल्टा फंदा आगे लेकर आएंगे और सीधा फंदा पीछे लेकर जाएंगे उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे सीधे फंदे को स्लिप करेंगे वाइज फिर देखिए फिर से ये दो फंदे ट्विस्ट करेंगे उल्टा फंदा पीछे लेकर जाएंगे और सीधे फंदे को आगे लेकर आएंगे सीधा फंदा वाइज स्लिप कर लेंगे धागा आगे करेंगे उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे फिर फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जैड डालेंगे और लास्ट के तीन फंदे सीधे बना लेंगे रॉ फिफ्टीन राइट साइड स्टार्टिंग के टेन फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस धागा पीछे यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग के तीन फंदे सीधे जाइ डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे और फाइव फंदे उल्टे बना लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव धागा पीछे करेंगे अब देखिए सेंटर में ये हमारे पास दो फंदे सीधे हैं अब इन दोनों फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे इनको हमने लेफ़्ट टू राइट ट्विस्ट करना है ये देखिए ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और इनको पल वाई स्लिप करेंगे इनको हमने बुनना नहीं है हर बार इनको पल वाइज स्लिप ही करना है फिर धागा आगे करेंगे और फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव धागे पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे जारी डालेंगे और दो फंदे सीधे स्टार्टिंग के टेन फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें हमने तीन फंदे सीधे बनाए जारी डाली दो फंदों का एक फंदा बनाया फिर फाइव फंदे उल्टे दो फंदे ट्विस्ट किए और स्लिप किए उसके बाद फाइव फंदे उल्टे दो फंदों का एक फंदा बनाया फिर जारी डाली दो फंदे सीधे फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे तीन फंदे सीधे वन टू थ्री जारी डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे और फाइव फंदे उल्टे फोर फाइव धागा पीछे दो फंदे ये सीधे हैं स्लिप कर लेंगे इनको और लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे और पालवाई स्लिप करेंगे धागा आगे फाइव फंदे उल्टे फोर फाइव धागा पीछे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जल डालेंगे और लास्ट के फोर फंदे सीधे रो सेवनटीन राइट साइड स्टार्टिंग के टेन फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग के फोर फंदे सीधे टू थ्री फोर धागा आगे करेंगे चार डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे और तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री धागा पीछे करेंगे अब देखिए ये हमारे पास सेंटर में दो फंदे सीधे हैं जो हम स्लिप करते हैं अब इनको फिर से ट्विस्ट करेंगे हम ये वाला फंदा हम इस साइड में लेकर आएंगे और ये उल्टा फंदा इसके सेंटर में लेकर जाएंगे तो देखिए ऐसे उतारेंगे और इसको लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे ऐसे और सीधा फंदा हम पल वाइज स्लिप करेंगे और धागा आगे करेंगे उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे अब ये वाले दो फंदे ट्विस्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे इनको और सीधे फंदे को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे और उल्टे फंदे को अंदर की तरफ लेकर आएंगे उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे और सीधा फंदा स्लिप करेंगे ये देखिए यहाँ पर फिर से, से सेंटर में दो फंदे उल्टे आ गए हैं धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जारी डालेंगे और वन टू थ्री फंदे सीधे बना लेंगे स्टार्टिंग के टेन फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें हमने फोर फंदे सीधे बनाए फिर जारी डाली दो फंदों का एक फंदा बनाया तीन फंदे उल्टे बनाए दो फंदे ट्विस्ट किए एक फंदा स्लिप किया और एक फंदा उल्टा बनाया फिर दो फंदे ट्विस्ट किए एक फंदा उल्टा बनाया एक फंदा स्लिप किया तीन फंदे उल्टे दो फंदों का एक फंदा बनाया जारी डली और तीन फंदे सीधे बनाए फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर जारी डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री धागा पीछे दो फंदे ट्विस्ट करेंगे ये देखिए सीधे फंदे को स्लिप करेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे फिर से दो फंदे ट्विस्ट करेंगे ये देखिए ऐसे और उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे सीधे फंदे को स्लिप करेंगे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री धागा पीछे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जारी डालेंगे और लास्ट के फाइव फंदे सीधे बना लेंगे रो 19 राइट साइड स्टार्टिंग के 10 फंदे बटन पट्टी के बना लेंगे स्लिप करेंगे एक फंदा उल्टा स्लिप करेंगे एक फंदा उल्टा ये देखिए धागा पीछे करेंगे और यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे फाइव फंदे स्टार्टिंग के सीधे बना लेंगे थ्री फोर फाइव धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे अब देखिए फिर से ये वाले दो फंदे ट्विस्ट करेंगे ये देखिए, ये फंदे हम ट्विस्ट करेंगे उल्टे फंदे को अंदर की साइड लेकर आएंगे और सीधे फंदे को बाहर की तरफ लेकर आएंगे और सीधे फंदे को हमने ऐसे पलवाइज स्लिप करना है धागा आगे करेंगे और ये उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे सेंटर के दो फंदे ये भी उल्टे ही बना लेंगे फिर से ये दो फंदे ट्विस्ट करेंगे उल्टे फंदे को अंदर की तरफ लेकर जाएंगे और सीधे फंदे को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे ये देखिए फिर से हमारे पास सेंटर में फोर फंदे हो गए हैं और ये साइड में हमारे स्लिप किए हुए फंदे हैं धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जारी डालेंगे और वन टू थ्री फोर फंदे सीधे बना लेंगे स्टार्टिंग के टेन फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें हमने फाइव फंदे सीधे बनाए जारी डाली दो फंदों का एक फंदा बनाया एक फंदा उल्टा दो फंदे ट्विस्ट किए सीधा फंदा स्लिप किया और उल्टा फंदा उल्टा बनाया दो फंदे उल्टे बनाए फिर से दो फंदे ट्विस्ट किए एक फंदा उल्टा बनाया एक फंदा स्लिप किया फिर एक फंदा उल्टा बनाया दो फंदों का एक फंदा फिर जारी डाली और फोर फंदे सीधे बनाए हैं फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे फाइव फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव जाली डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे धागा आगे करेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे दो फंदे ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करना है पल वाइज एक फंदा स्लिप करेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे और दो फंदे उल्टे फिर से इनको राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करना है और उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, और सीधे फंदे को स्लिप करेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जारी डालेंगे और लास्ट के फाइव फंदे सीधे बना लेंगे ये देखिए फ्रेंड हमारी ट्वेंटी रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार बार इसकी वन टू ट्वेंटी रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो